फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम 2018 के जो साइंस के क्वेश्चंस आए थे मैं उन क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ दोस्तों। इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन ऐसे देखेंगे दोस्तों जो कई बार पेपर में रिपीट हुए थे 2018 के एग्ज़ाम में दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था दोस्तों, ये आपको बताना है क्वेश्चन। तो प्रकाश का वेग सबसे पहले मापा था, सोचिए अपने माइंड में दोस्तों, आप आंसर अपने मन में टिक कीजिए फिर मैं बताता हूँ। प्रकाश का वेग सबसे पहले मापा था रोमर ने दोस्तों। किसने मापा था दोस्तों? रोमर ने सबसे पहले प्रकाश का वेग मापा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष का मात्रक होता है दोस्तों, ऑप्शन लिखे गए हैं, दूरी का, गति का, ऊर्जा का या द्रव का। इन चारों में से एक आंसर सही है दोस्तों, आपने आंसर अपना चूज कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर है दूरी का दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? चुंबक के क्षेत्र से, द्रव्यमान से, गति से, ऊष्मा से। तो इसका आंसर टिक करना बहुत आसान था दोस्तों, एक्चुअल में ऑप्शन इसके इतने हल्के आए थे चुंबक के क्षेत्र से, क्योंकि किसी में भी क्षेत्र तो है ही नहीं, ठीक है ना, तो चुंबक के क्षेत्र से ही संबंधित है दोस्तों। अगर हमारी वीडियो यार पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यार जो नए हों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? महो, मिनट, गति, आयाम। तो दोस्तों विद्युत चालकता की जो यूनिट है वो होती है आपकी महो, महो इसकी यूनिट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार ये पेपर में आ चुका है और 2018 में भी लगभग 3 से 4 बार रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? ऊर्जा की मात्रा का, आवेश की मात्रा का, गति का या फिर ऊष्मा का? तो इसका सही आंसर दोस्तों है आवेश की मात्रा का, इसका सही आंसर है आवेश की मात्रा का दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है। कई बार पूछा गया था दोस्तों 2018 में भी ये क्वेश्चन, उत्तल दर्पण, सामान्य दर्पण, अवतल दर्पण या कैमरा। अब देखो ये तो ऑप्शन सीधा सीधा दिख रहा है, कैमरा थोड़ी ना लगा रहता ड्राइवर की जो साइड होती है, साइड देखने का शीशा जो होता है, कैमरा थोड़ी ना लगा होता वो तो सामान्य। तो इन तीनों में से एक आंसर होगा, तो इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तल दर्पण, ठीक है, सही आंसर है इसका उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीरे की चमक का क्या कारण है? प्रकाश का बाहरी परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोस्तों, यहाँ पर पूर्ण लिखना भूल गए हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बहुलित आंतरिक परावर्तन और बहुलित बाहरी परावर्तन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, द्रव की अपेक्षा कम प्रसार करती है, अधिक मात्रा में फैलती है, कम मात्रा में फैलती है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, द्रव का जो प्रसार होता है वो गैस की तुलना में कम होता है। तो इसका सही आंसर होगा द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है गैस, ठीक है, इसलिए गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। जल का तालाब
हाँ, जल का जो तालाब है वो कम गहरा दिखाई देता है। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कम गहरा हो, लेकिन जब आप उसमें घुसते हैं तो पता चलता है ये तो गहरा है भाई। तो किस कारण अपवर्तन, परावर्तन, प्रिज्म या सीधी छाप? तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज का ये। इसका सही आंसर है दोस्तों परावर्तन। परावर्तन के कारण हमें तालाब का पानी कम गहरा दिखाई देता है दोस्तों। इसका एक और उदाहरण भी आता है दोस्तों, जैसे आप समझो गिलास में पानी भर लो आप, ठीक है, या किसी जग वगैरह में, और उसमें अपना सिक्का छोड़ दो, तो आपको सिक्का कुछ उठा उठा सा दिखाई देगा, ऊंचे ऊपर को दिखाई देगा। उसका रीजन भी यही है दोस्तों, ठीक है। और ऐसा लगेगा जैसे आप ट्यूबवेल वगैरह में आपका, या किसी बाल्टी में आपका गिलास डूब जाए, आप सोचोगे कि लो मैं इसे निकाल लेता हूँ यूँ ही हाथ डालकर, पर जब आप उसमें हाथ डालते हो तो पता चलता है तो थोड़ा गहरे में था, आपके शर्ट भीग गई, ऐसा होता है ना। तो सब इसी के उदाहरण है परावर्तन के, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का। इसका आंसर आप लोगों को टिक करना है कमेंट्स बॉक्स में दोस्तों। श्वेत प्रकाश को विभिन्न विभिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रिज्म का, अपवर्तन का, कैमरे का या ऊष्मा का? तो इसका सही जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करेंगे दोस्तों। और यार वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।